आरबीआई ने 5 जुलाई 2023 को अपने प्रेस रिलीज में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 1 अक्टूबर 2023 से जितने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं या जितने भी बैंक्स हैं, वे अपने क्रेडिट कार्ड को डिफरेंट नेटवर्क पर इशू कर सकती हैं। लाइक किसी कस्टमर के पास में कोई वीज़ा नेटवर्क वाला क्रेडिट कार्ड है तो वो अपनी पसंद का नेटवर्क सेलेक्ट कर सकता है। अगर वो मास्टर में स्विच होना चाहता है, मास्टर नेटवर्क में, तो उसमें हो सकता है। रुपए नेटवर्क में अगर वो लेना चाहता है उस क्रेडिट कार्ड को, तो उस नेटवर्क में भी बैंकों को उस क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करना होगा, जिसकी इन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि 1 अक्टूबर 2023 तक ये जो फीचर है सभी बैंकों ने ला देना है। तो क्या अभी तक ये चीज़ें आ चुकी हैं? और आज है 28 अक्टूबर, तो क्या आज के टाइम में आप इस प्रोसेस को कर पा रहे हो? यानी आप अपने एक क्रेडिट कार्ड जो आपको पहले वीज़ा के साथ में मिला हुआ है, वीज़ा नेटवर्क के साथ में, उससे आप मास्टर या रुपए में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि आरबीआई की तरफ से ये सर्कुलर जारी तो कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर बैंकों की तरफ से काम नहीं हुआ है कम्प्लीट। हाँ, कुछ एक बैंक जो है इसको प्रोवाइड कर रही हैं, यानी इसको 1 अक्टूबर से लागू कर चुकी हैं, तो उनके आप अगर चाहते हैं क्रेडिट कार्ड को स्विच करना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो ये पॉसिबल है। तो कौन से वो बैंक हैं और कौन से बैंक अभी इस फीचर को नहीं लाए जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उनके बारे में भी जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। देखिए, अभी आप ट्विटर पर जाएंगे, जिसे अभी एक्स नाम से भी जाना जा रहा है, वहाँ पर जाकर अभी आप चेक करोगे बैंकों के ऑफिशियल चैनल पर, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ट्वीट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने रिक्वेस्ट किया था बैंक को कि हम मेरे पास जो वीज़ा नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड है उसे आप रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, तो उनका डिक्लाइन कर दिया गया। रीज़न ये है कि देखिए, बहुत सारे बैंकों जो है अभी तक इस फीचर को लॉन्च ही नहीं की है। अगर उनको आप कस्टमर केयर में कॉल करो तो वो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि हमने इस फीचर को अभी लाया ही नहीं है और हमारे पास इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे, ऐसा कुछ अभी यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके अलावा हम बात करें एक पॉपुलर बैंक जो कि HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक जो है इस फीचर को ला चुकी है, बट वही जो है कुछ सिलेक्टेड कस्टमर को ही कर रही है, सभी को ये फीचर नहीं दे रही है। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं जिन्होंने बताया है कि उनके क्रेडिट कार्ड को सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया गया, यानी उनको मेल मिल चुका है बैंक की तरफ से कि हमने आपका रिक्वेस्ट ले लिया है और कुछ टाइम बाद में आपके क्रेडिट कार्ड को हम कन्वर्ट करके दे देंगे। बट उसी में एक और भाई है जिन्होंने HDFC बैंक को ही ऐसा रिक्वेस्ट किया था, बट उनके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया, उनको मना कर दिया गया कि आपको जो है रुपए वेरिएंट में कन्वर्ट करके नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ कह सकता हूँ कि अभी इस फीचर को लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन सभी के लिए लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ टाइम लगेगा इसको प्रॉपरली वर्क करने में। बात करें दूसरे बैंकों की, जैसे कि SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो अभी तक इन्होंने ये सर्विस लॉन्च नहीं की है। हाँ, बीच में इसके ऊपर काफ़ी सारे अटकलें आई थी कि मेल करने पर रिक्वेस्ट ले ली जा रही है, तो देखो रिक्वेस्ट आपकी ले ली जा रही है तो सिस्टम जनरेटेड आपका उधर से मैसेज आ जाता है, मेल आ जाता है कि थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस, ऐसा करके, और आपको बता दिया जाता है कि आपसे हम 2 से 3 दिनों में रीच आउट कर लेंगे। बट उनके तरफ से फाइनल जो है कॉल आता है तो उसमें बताया जाता है कि अभी हमने ये सर्विस लॉन्च नहीं की है और जिस कारण से हम आपके इस क्रेडिट कार्ड को दूसरे नेटवर्क में स्विच नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो एक फ्रेश क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए, वो आप अपनी मर्जी से जो नेटवर्क में चाहते हैं वो ले सकते हैं, बट जो अवेलेबल है वही। जैसे कि हम SBI की बात करें तो SBI का जो है BPCL क्रेडिट कार्ड रुपए में भी अवेलेबल है और वीज़ा में भी अवेलेबल है, तो आप दोनों में से किसी एक नेटवर्क में ले सकते हैं। लेकिन आप ऐसा सोचोगे कि आपके पास में जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है सिंपली क्लिक का, उससे आप रुपए नेटवर्क में कन्वर्ट करके ले लेने का, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैंक ने अभी पोर्टेबिलिटी की सर्विस ही लॉन्च नहीं की है। तो जब ये प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा उसके बाद में आप आसानी से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विच हो पाएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अभी आप वेट कर लीजिए, जब इसके ऊपर कंप्लीट अपडेट आ जाएगा तो आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा कि हाँ अब ये सर्विस शुरू हो चुकी है। बट हाँ, अगर आप अपने तरफ से ट्राई करना चाहते हैं तो एक इनको मेल कर दीजिए, मेल पर आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप ट्विटर हैंडल पर जो एक्स नाम से जाना जा रहा है वहाँ पर जाकर आप इनको एक ट्वीट कर सकते हैं, इससे आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा। तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना था, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमने अपना रिक्वेस्ट दिया क्रेडिट कार्ड को दूसरे नेटवर्क में स्विच करने तक, लेकिन उनके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया है। तो इसलिए मुझे लगा आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, तो मैंने आपको ये वीडियो बनाकर दे दिया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ उसे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम।